नमस्कार दोस्तों, आज का अपना विषय है फिश माइग्रेशन। साथियों, ये टॉपिक एमएससी फिश बायोलॉजी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये बीएससी पार्ट थर्ड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फिश माइग्रेशन। जैसे कि अपन जानते हैं कि व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन या प्रवास क्या है, तो एक स्थान से किसी प्राणी का एक स्थान से किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य, भोजन या जनन के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना और वापस लौट के आना माइग्रेशन कहलाता है। जैसे बर्ड्स हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और इसी प्रकार फिश के अंदर भी माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन जो होता है उसको एक लाइन में बोले तो माइग्रेशन इज ए टू वे जर्नी, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए और वापस लौट कर अपने स्थान पर आना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन बहुत सारे फिशेज के अंदर होता है, सभी फिशेज माइग्रेशन नहीं करती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फिशेज है जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, जैसे कॉड है, हेरिंग्स है, सामन है, इल है, हिल्सा इलिसा है, इसी प्रकार थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश है, पेट्रोमाइजोन है, टूना है। तो ये कुछ फिशेज है महत्वपूर्ण जो हजारों किलोमीटर दूर माइग्रेशन करती है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, किस वजह से माइग्रेशन कर रही है फिश, इस आधार पर माइग्रेशन निम्न चार प्रकार का होगा। सबसे पहले एलिमेंटल माइग्रेशन या एलिमेंट्री माइग्रेशन, ये माइग्रेशन जो होता है फूड के लिए होता है, पर्टिकुलर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड के लिए जाना एलिमेंटल माइग्रेशन कहलाता है। दूसरा है गैमेटिक माइग्रेशन, ज्यादातर फिशेज के अंदर माइग्रेशन जो होता है गैमेटिक होता है, मतलब माइग्रेशन रिप्रोडक्शन के लिए होता है फॉर बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड, ये गैमेटिक माइग्रेशन कहलाता है। तीसरा है क्लाइमेटिक माइग्रेशन, जो अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है उससे बचने के लिए सुटेबल स्थान पर जाना क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहलाता है। और ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए सी वाटर से फ्रेश वाटर या एस्टुअरीन वाटर के अंदर जाना ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन कहलाता है। ये महत्वपूर्ण है टेबल। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन स्पॉनिंग जो माइग्रेशन होता है या ब्रीडिंग माइग्रेशन जो होता है, जो फिश माइग्रेशन होता है, वो महत्वपूर्ण इस टेबल बनानी है। जब भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन या छोटे छोटे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनाट्रोमस माइग्रेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ कैटाट्रोमस माइग्रेशन, इस टेबल को समझेंगे अपन। तो फिश माइग्रेशन जो होता है बेसिकली तीन प्रकार का होगा, डायाड्रोमस, पोटेमोड्रोमस और ओशियनोड्रोमस। डायाड्रोमस, डाया का मतलब टू, डाया का मतलब होता है डायाड्रोमस का मतलब फ्रेश वाटर टू मैरान वाटर और मैरान वाटर टू फ्रेश वाटर, इसीलिए ये वापस दो प्रकार का होगा, एनाट्रोमस और कैटाड्रोमस। एनाट्रोमस का मतलब होता है फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, कैटाड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश वाटर टू सी वाटर, पोटेमोड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर और ओशिनोड्रोमस का मतलब होता है सी वाटर टू सी वाटर। तो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पैटर्न, ये पैटर्न ऑफ माइग्रेशन कहलाते हैं जो मेयर ने दिए थे। डायाड्रोमस दो प्रकार का, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस और एम्फीड्रोमस माइग्रेशन भी हो सकता है, पोटेमोड्रोमस और ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन। सबसे पहले एनाड्रोमस माइग्रेशन, डायाड्रोमस में एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, एक लाइन में बोले तो फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। तो ज्यादातर कुछ फिशेज जो होती है उनका अधिकांश समय सी वाटर में बीतता है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर या नदियों के अंदर चली जाती है। इस प्रकार का माइग्रेशन एनाट्रोमस माइग्रेशन कहलाता है, जैसे पेट्रोमाइजोन है या लेफ्ट है और हिल्सा इलिसा जो है सामन है, ये हजारों किलोमीटर दूर समुद्र से चलकर फ्रेश वाटर के अंदर आती है। जैसे हिल्सा जो है पूरा अरब सागर से गुजरात कोस्ट ताप्ती रिवर के अंदर आती है, तो हजारों किलोमीटर दूर आकर ये रिप्रोडक्शन करके वापस चली जाती है, ये एनाट्रोमस माइग्रेशन। तो एनाट्रोमस का मतलब फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल सामन और हिल्सा। ये मैरान, ये सी वाटर, यहाँ पर इसके एडल्ट रहते हैं, ये एडल्ट ब्रीडिंग टाइम के टाइम पर इस्टुराइन में होते हुए, जैसे ये सामन रेड सामन हो गई, उसके बाद ये फ्रेश वाटर के अंदर अंडे देंगे और वापस ये लार्वा, इनके यंग मंथ्स जो होते हैं ये इस्टुराइन से होकर मैरान वाटर में वापस आ जाएंगे। तो ये चार्ट इस प्रकार से दिख रहा है एनाट्रोमस माइग्रेशन। इसी प्रकार कैटाट्रोमस माइग्रेशन, इसका उल्टा, कैटाट्रोमस माइग्रेशन ऐसा माइग्रेशन होता है जो फ्रेश वाटर टू मैरान वाटर होता है। फ्रेश वाटर यानी कुछ फिशेज ज्यादातर अपना समय फ्रेश वाटर या नदियों में बिताती है, लेकिन वो ब्रीडिंग पर्पज के लिए समुद्र में चली जाती है, वो कैटाट्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। जैसे एंगुला एंगुला जो हिल होती है, फ्रेश वाटर हिल भी कहते हैं इसको, ये फ्रेश वाटर हिल जो होती है ये फ्रेश वाटर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में ब्रीडिंग करती है,
और ब्रीडिंग के बाद इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा एकमात्र ऐसी फिश है जिसका लार्वा होता है जिसको लेप्टोसिफेलाई लार्वा कहते हैं, ये लार्वा वापस समुद्र के इसके अंदर आ जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये माइग्रेशन होता है फ्रेश वाटर टू सी वाटर। ये फ्रेश वाटर यहाँ एडल्ट है, ये एडल्ट इस्चुराइन में जाएंगे और इस्चुराइन मैराइन वाटर के अंदर जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे। लार्वा इस्चुराइन, ये लेप्टोसिफेलाई या ग्लास ईल भी बोलते हैं इसको, ये इस्चुराइन में होता है वापस फ्रेश वाटर के अंदर आ जाएंगे। एम्फीड्रोमस जो दोनों तरफ होता है, कुछ फिशेज बिना किसी वजह से ब्रीडिंग पर्पज के नहीं होकर किसी और वजह से ये दोनों तरफ जाती है, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर और वाइस वर्सा, तो ये एम्फीड्रोमस कहलाएगा। ये भी डायड्रोमस माइग्रेशन के प्रकार है। तो ऐसा माइग्रेशन का एग्जाम्पल अगर आता है तो उसका बताना अपन, गोबी फिश जो होती है वो इसमें आएगी, ये दोनों तरफ जाएगी, ये फ्रेश वाटर के अंदर से मैराइन वाटर में, मैराइन वाटर से वापस फ्रेश वाटर में, दोनों तरफ एडल्ट रहेंगी इसकी, ब्रीडिंग अंदर होगी इस्चुरान में। दूसरे प्रकार है पोटेमोड्रोमस। ये तीनों प्रकार थे अपने डायड्रोमस के। उसके बाद पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन जो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर होता है, कुछ विशेष जैसे अपने कटला रोहू जो कार्प्स होती है और ट्राउट जो होती है, ये फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती है ब्रीडिंग के लिए। जैसे ये कार्प्स जो होती है ये तालाबों में रहती है और ब्रीडिंग के टाइम पर ये हिल स्ट्रीम से होती हुई अप स्ट्रीम्स में चढ़ जाती है और वहां माइग्रेशन करती है। तो इस प्रकार का माइग्रेशन पोटामोड्रोमस कहलाएगा। जैसे कटला रोहू अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, ये इनके एडल्ट है, ये अप स्ट्रीम में जाएंगे, अप स्ट्रीम में ब्रीडिंग करेंगे और वापिस इनके यंग मंथ्स डाउन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जैसे नीचे तालाब या पॉन्ड बना हुआ लेक है और वो ब्रीडिंग के टाइम पर हिल स्ट्रीम्स में चढ़ेगी और वहां माइग्रेशन करेगी। ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन समुद्र में होता है, जो हजारों किलोमीटर दूर होता है, पूरा पूरा स्कूल जो होता है, सॉल जो होता है मछलियों का, समुद्र के अंदर माइग्रेशन करता है एक जगह से दूसरी जगह से। जैसे हेरिंग्स है, मैकरल्स है, बॉम्बे डक है, टूना है, ये हजारों किलोमीटर दूर समुद्र से समुद्र में माइग्रेशन करती है, समुद्र से ब्रीडिंग ग्राउंड में वापस समुद्र में जाएगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, इस माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, ये उनको अपन फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर में बांट सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर बॉटम मटेरियल कैसा है वो माइग्रेशन को डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, टर्बिडिटी। इसी प्रकार केमिकल में सेलिनिटी ऑफ वाटर, पीएच, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर, और बायोलॉजिकल फैक्टर में सेक्सुअल मेच्योरिटी, ब्लड प्रेशर, फूड, मेमोरी, फिजियोलॉजिकल क्लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर इज आल्सो ए बायोलॉजिकल फैक्टर। पोजेज ऑफ माइग्रेशन, अपन जानते हैं माइग्रेशन क्यों होता है फिश के अंदर, तो नॉर्थ कोट ने इसको फॉलोइंग रीजन, फॉलोइंग इसके कॉजेज बताए। तो कॉजेज पहला अपन देखा एलिमेंटल माइग्रेशन टू ऑप्टिमाइज फीडिंग, फीडिंग के लिए होता है। दूसरा क्लाइमेटिक माइग्रेशन टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, टू इनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जो रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग माइग्रेशन होता है, और पॉसिबिलिटी टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन। तो ये इस प्रकार से सारा कॉज हो सकते हैं माइग्रेशन के, कि माइग्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, फीडिंग हो सकती है, ब्रीडिंग हो सकती है, अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है। एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या फायदे हैं, जो कारण थे वो माइग्रेशन के फायदे हो जाएंगे, कि माइग्रेशन से बेटर ग्राउंड मिलता है फॉर फीडिंग, स्पॉनिंग और फीडिंग और अनफेवरेबल कंडीशन के लिए बेटर ग्राउंड मिलता है। उसके अलावा बहुत सारा इनका कंपटीशन कम हो जाएगा माइग्रेशन की वजह से किसी दूसरे स्थान पर जाने से। तो इस प्रकार से ये माइग्रेशन के एडवांटेज या फायदे होंगे। धन्यवाद।